हज़रत सबसे पहले तारुफ करा दीजिए और किस क्या कह कर के जो है ये दरगाह हटाई गई है यहाँ से जो शहीद किया गया। मेरा नाम वाजिद खान है, सज्जादा नशीन दरगाह मामा भांजा रानी झांसी रोड। यहाँ पर कभी क्रोचिंग के नाम पर थोड़ा बहुत तोड़ते थे, कभी सड़क बड़ी करने के नाम पर, अब कैसे इन्होंने ये कह दिया कि नोटिस लगा के हमसे बस ये बता दिया 2 बजे कि हमें 3 बजे जवाब दे दो। हम 3 बजे जवाब कहाँ से दे दें और क्या दे दें, और देने जाएं तो वहाँ लेने वाला कौन है? यहाँ कोई करीब में तो ऑफिस है नहीं कि गए 10 मिनट में पहुँच गए। PWD का ऑफिस है और अफसरान हैं, 10 आदमियों के नाम हैं, उन 10ों को जवाब हम 1 घंटे के अंदर कहाँ से दे सकते हैं? उसके बावजूद इन्होंने कोई हमसे जवाब दोबारा तवक्को नहीं करी, ना हमसे कोई बातचीत करी, ना हमसे कोई मुलाकात करी, ना हमें कहीं बुलाया, ना कोई बातचीत हुई इस बारे में कि यहाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भाई इन्होंने बता दिया कि हम जब दिल चाहेगा इसको डेमोलिश कर देंगे, और वही इन्होंने रात को आगे 3 बजे अपना काम शुरू कर दिया। और अब तक सुबह टाइम देख लीजिए क्या है, अब तक ये तोड़ ताड़ के सारा और बाबा लोगों को शहीद करके दरगाहें साफ करके चले गए। मामू भांजे की 2 दरगाह थी और कब्र कितनी थी? मामू भांजो की भी दरगाह थी, उनके जो साहब थे पहलवान साहब उनकी भी दरगाह थी, एक और साहब थे हमारे दादा परदादा जो उनकी भी दरगाह थी। तो ये चीज़ें हमारी ख़ानदानी थी, हमारे दादा परदादा भी यहीं रहे और हमारे अब्बा भी यहीं 75 साल रहे, अब हम भी यहाँ रह रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। किस सिलसिले के बुज़ुर्ग थे ये? चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्ग थे। सरकार की तरफ से कोई रोकने की कोशिश नहीं की गई क्या? कहाँ से इस डेमोलेशन को, क्योंकि आगे मंदिर भी अगर इंक्रोचमेंट? देखो जी, ये चीज़ें अपनी एक सियासतदानी का खेल चल रहा है, अब कौन क्या खेल खेल रहा है हमें इस बारे में नहीं मालूम। हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है, कहाँ से किसको क्या ऑर्डर मिलता है हमें इस बारे में क्या पता, मगर ये है कि हाँ अपना अपना सब काम कर रहे हैं। जो नोटिस जो दिया गया था वो किस, इससे पहले भी चबूतरा तोड़ा गया था? चबूतरा नहीं तोड़ा गया था, बाहर जो हमारी मेन दीवार थी जो सड़क से कोई 4 फुट 5 फुट पटरी छोड़ करके दीवार थी, पटरी छोटी होती चली गई। पटरी पहले 6 फुट थी, पटरी जब बनाई जब छोटी कर दी, अब पटरी 4 फुट बाकी थी, तब भी इन्हें बेचैनी थी कि पटरी 4 फुट की है। पटरी को कुछ नहीं करा, आज इन्होंने अगस्त के महीने से अब तक पटरी में सफाई भी नहीं करी, जो दीवार तोड़ के गए वैसी पड़ी रही, और रात आकर के इन्होंने शहीद कर दिया। अब और क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। नहीं, हम क्या कहना चाहें और किसको कहना चाहें, कौन सुनने वाला है हमें तो ये बताया जाए पहले, फिर हम कुछ कहें किसी को, किसको कहें? कोर्ट में सुनवाई नहीं होती, कोर्ट में डालो तो कहते क्रोचिंग है, ये एनक्रोचिंग क्या होती है हमें तो यही नहीं मालूम। 100-150 साल पुरानी दीवार को भी एनक्रोचिंग कह दो तो ये तो कह दिया तुमने और तोड़ दिया, तुम्हारे बस में, तुम्हारी पावर है, तुम्हारी ताकत है, हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ज़्यादा कहना बेकार है। जो कुछ कह दिया इसको बहुत समझिए। सबकी आस्था जुड़ी हुई थी, सब आते थे। अब जो इसको तो तोड़ दिया गया दरगाह, तो कैसा क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या लग रहा है? देखो जी, जो काम हुआ है वो गलत हुआ है। अब क्या कहना चाहूँगी मैं, तो कुछ कह नहीं सकती, मैं तो खुद ही टूटी पड़ी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से आती थी यहाँ पे, मेरे को बाबा साहब ने बच्चे दिए, सब चीज़ दी मुझे। मैं मज़हब के लोग आते थे। सब हमारे हिंदू मज़हब के ज़्यादा आते, बहुत ज़्यादा, उनकी आस्था ही हिंदू से जुड़ी हुई है। मुसलमान 10 आते थे, हिंदू लोग 100 आते थे।